एक बार फिर से जारी हो गया है। जिनके मार्क्स यहाँ पे नहीं बढ़े थे और जिनके मार्क्स कम थे वो फिर से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चेक करके बता रहा हूँ, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपको चेक कैसे करना है। सबसे पहले जो है आपको एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे डालना है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एप्लीकेशन आईडी लिखा आ रहा है। आप सोच रहे होंगे एप्लीकेशन आईडी कहाँ से डालें, तो आप जो अप्लाई किए थे उस फॉर्म पर लिखा होगा एप्लीकेशन नंबर, उसे डालना है। कैसे डालना है, बहुत लोग एप्लीकेशन नंबर गलत डाल रहे हैं जिससे कारण रिजल्ट नो फाउंड दिखा रहा है। तो वो लोग कर क्या रहे हैं, वो लोग रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल गलत डाल रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए आपके सामने इस तरह का स्लिप होगा, आप लोग पेमेंट किए होंगे तो ऐसा स्लिप आपको मिला होगा जिस पे एप्लीकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होगा। तो देखिए मैं जैसे बता रहा हूँ, पूरी वीडियो देखिएगा उसके बाद खुलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबके मार्क्स बढ़ रहे हैं, आप लोग गलत तरीका अपना रहे हैं इसलिए नो फाउंड दिखा रहा है। तो सबसे पहले 100% प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग एप्लीकेशन नंबर तो सही डाल रहे हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर डालने में गलती कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत लोग तो बिना वीडियो देखे एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा और नीचे लिंक से कर लेते हैं, इसीलिए उनसे खुल नहीं रहा है। यहाँ पे मैं बिल्कुल ध्यान से देखिए, 2-3 मिनट की वीडियो है, अगर आप ये देख कर कीजिएगा तो आप जो है भर दिन परेशान नहीं होइएगा, बिल्कुल आपका खुल जाएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, 2-3 मिनट। अब यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन नंबर आपको डाल लेना है। तो एप्लीकेशन नंबर जैसे यहाँ पे एक एक वर्ड आपको सही डालना है, कैपिटल है तो कैपिटल डालना है, स्मॉल नहीं डालना है, ये सब बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कैपिटल की जगह स्मॉल डाल दोगे तो फिर भी आपका नहीं खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपके सामने सब कुछ आप करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले डाल रहा हूँ आपका एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। देख सकते हैं कितनी आसानी से, कितनी धीरे धीरे डाल रहा हूँ, कोई भी हड़बड़ी नहीं करना है, हड़बड़ी में ही आपका रिजल्ट जो है वो गलत चेक हो जाता है, ठीक है, और आप लोग परेशान हो जाते हैं। अब बारी आती है रजिस्ट्रेशन नंबर की। तो रजिस्ट्रेशन नंबर में सबसे पहले R लिखना है, जो कि लोग छोड़ रहे हैं सिर्फ। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है .net पर। बच्चों आप किसी भी सवाल में अटक गए हैं या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT NEET या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, सबका जवाब मिलेगा .net ऐप। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको .net ऐप पर। साथ ही आप .net ऐप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे GB सर, NB सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी .net ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे .net ऐप को इंस्टॉल कर चुके हैं, आप भी जाइए और .net ऐप को इंस्टॉल करें। अंक वाला लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो R लिखना है, उसके बाद डैश डालना है, ठीक है। R लिखने के बाद डैश डालना है और उसके बाद जैसे आपके नंबर लिखा हुआ है एक भी डिजिट को छोड़ना नहीं है, जहाँ पर डैश है वहाँ पर डैश डालना है और जहाँ पर जो नंबर है वो डालना है, तो डैश भी बिल्कुल डालना है आपको, ठीक है ना, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए फिर से डैश डालूँगा और ईयर 19 डालूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे मिला लीजिए, कैसे मैंने डाला है बिल्कुल वैसे ही आपको डालना है। अभी आपका ख़त्म नहीं हुआ, वहाँ पर देखिए 100% मार्क्स बढ़े हैं कुछ लोगों के। देखिए यहाँ पे इनका देखिए 4 विषय में इन्होंने स्क्रूटनी किया था और इनके जो है मार्क्स यहाँ पे बढ़ गए हैं। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग देख सके। यहाँ पे देखिए 51 नंबर था पहले इंग्लिश में इनका, 51 था और बढ़ने के बाद 55 हो गया, यानी कि 4 नंबर इंग्लिश में बढ़ा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में मार्क्स नहीं बढ़े इनके, मैथमेटिक्स में 56 था जो बढ़कर 57 हो गया, और इनके फुल मार्क्स जो हैं 9 बढ़ाकर यहाँ पे दिया गया और इनको फर्स्ट डिवीजन कर दिया गया, पहले ये सेकेंड डिवीजन थे। आप इनका जो है खुद से भी चेक कर सकते हैं और आप लोग अब सीख गए होंगे, अब आराम से कर लीजिए, ठीक है। लाइक और शेयर कर दें।